ट्वेल्थ क्लास, आज जो हम राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का लेसन करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस लेसन का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अमेरिका के मुकाबले सत्ता के कुछ विकल्प विश्व स्तर पर उभर रहे हैं, यानी हम अमेरिका को एक विशेष सत्ता के रूप में देख रहे थे, लेकिन इसका अल्टरनेट यानी इसका विकल्प भी विश्व में उभर रहा है। जैसे सत्ता के विकल्पों में यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय देशों से आने वाले संघ जैसे आसियान, चीन तथा भारत शामिल हैं। अगर वन वर्ड क्वेश्चन बनता है सत्ता के विकल्पों में तो कौन कौन से लिखोगे? यूरोपीय संघ, आसियान, चीन तथा भारत शामिल हैं। जो यूरोपीय संघ की स्थापना थी सन 1922 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। जनवरी 2002 में यूरोप के 12 देशों ने यूरो मुद्रा की शुरुआत की थी। स्थापना तो 1992 में हुई थी, लेकिन 2002 में यूरोप के 12 देशों ने यूरो मुद्रा की शुरुआत की थी। यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो यूरोपीय संघ है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का एक अक्षेत्रीय संगठन है। यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है, आसियान का अर्थ आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अक्षेत्रीय संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। और आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967, 1967 में। 1996 में भारत को आसियान में पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1970 के दशक से चीन विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। यानी 1970 में एक देश जैसे चीन पूरे संसार में एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आ गया है। 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। यानी चीन इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति उभर कर आया, जैसे 1972 में चीन ने पावरफुल कंट्री यानी अमेरिका के साथ भी अपने संबंध बनाने शुरू किए थे। 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने, क्या नाम है, चाउ एन लाई ने आधुनिकरण के चार प्रस्ताव दिए। जो आधुनिकरण के चार प्रस्ताव थे वो प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा 1973 में दिए गए थे। 1978 में चीन की आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 1978 में कौन सी नीति की घोषणा की गई चीन के द्वारा? आर्थिक सुधार और खुले द्वार, ये घोषणा चीन के द्वारा 1978 में की गई कि आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई। 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण किया, यानी चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया? 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण किया था। 1998 में चीन ने उद्योगों का निजीकरण किया। भारत 1990 के दशक में तेजी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। अमेरिका ने भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। अमेरिका ने भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हुए भारत चीन के आर्थिक संबंध अच्छे हैं। भारत और चीन के आर्थिक संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। 2016 में इंग्लैंड में हुए जनमत संग्रह में इंग्लैंड ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया था। यानी इंग्लैंड ने 2016 में जो यूरोपीय देशों का संघ था उस संघ से अलग होने का क्या लिया था? निर्णय ले लिया था। तो जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है उसमें हमने मतलब सत्ता के वैकल्पिक में यूरोप संघ, आसियान तथा चीन शामिल है। हमने कुछ बातें पढ़ी हैं। आसियान के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। आसियान जो आसियान समुदाय के तीन मुख्य स्तंभ हैं। आसियान समुदाय के तीन मुख्य स्तंभ हैं आसियान
सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय, यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकरावों को दूर करता है। आसियान आर्थिक समुदाय, ये आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जो आसियान सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदाय हैं, यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो जैसे अक्षेत्रीय संगठनों का बनाने की बात आई थी, तो अक्षेत्रीय जो संगठन थे वो अक्षेत्रीय देशों के लोगों को कल्याण और जीवन की गुणात्मकता को लाना था। अक्षेत्रीय देशों का संगठन क्यों किया गया था? अक्षेत्रीय देशों के लोगों की कल्याण और जीवन गुणात्मकता को लाना था। अक्षेत्र में आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को लाना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अन्य देशों के साथ सहयोग करना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास सूझबूझ व सहृदयता विकसित करना, अन्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ संगठनों के साथ सहयोग करना। तो ये कुछ हम मेन मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको बीच में भी रीड करते जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के किन्हीं चार विकल्पों के अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के किन्हीं चार विकल्पों की चर्चा कीजिए, जैसे यूरोपीय यूनियन, आसियान, चीन, भारत। और ओके, थैंक यू।